ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित की गई बीडीसी की बैठक बिना सक्षम अधिकारियों के खानापूर्ति ही साबित हुई। ब्लॉक सभागार में आयोजित कर्णप्रयाग ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में विभिन्न गांवों से पहुंचे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों के द्वारा समस्याओं का उचित जवाब न मिलने पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हंगामा कर दिया। कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में बीडीसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा को लेकर समस्याएं रखी। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कहा कि पिछली बैठक में रखी गई समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं होने से नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक में खूब हंगामा मचाया और अधिकारियों पर जनता के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान कालेश्वर ने बताया कि सालों बीत जाने के बावजूद अभी तक उमट्टा माणा और जयकंडी सरतोली मोटर मार्ग का कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ तो 2019 के लिए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। कुमार जी, मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि उमट्टा माणा मोटर मार्ग 1999 में ये स्वीकृत हुआ है और इसको अभी मैंने कर्णप्रयाग लोक निर्माण विभाग में कर्णप्रयाग के अंतर्गत ये मोटर मार्ग प्रस्तावित है। इनके द्वारा 5.5 किलोमीटर का काम अभी 18 साल के बाद भी अभी तो मैंने शुरू नहीं है। केवल जनता को मैंने गुमराह कर रहे हैं, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज जिले का कोई भी अधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं है, जिससे सदन में आक्रोश व्यक्त है। दूसरी बात, जो भी आज तक की बैठकों में बीडीसी बैठकों में जो भी प्रस्ताव, जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई हैं, कोई भी विभाग उसका सकारात्मक जवाब नहीं दे रहा है और न ही उसका समाधान कर पा रहा है। वैसे समझते विभाग तो बहुत सारे हैं, करीबन 20-22 के करीबन विभाग हैं, पर लेकिन अभी तक 2 ही विभाग पे चर्चा हो चुकी है, उसमें 1 दर्जन से अधिक समस्याएं दर्ज हो चुकी हैं। उसमें जो भी समस्या होगी उसका जब बैठक समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं उस पर काउंटिंग करूँगी और उस पर आगे जो कार्यवाही है विभाग के द्वारा उसमें कार्यवाही कराने की मैं जिम्मेदारी देती हूँ, विभाग को जिम्मेदारी देती हूँ। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।